जनपद मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के महिला थाने में युवक और पुलिसकर्मी के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के विवाद को इनको महिला थाने पर बुलाया गया था और जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। एसपी मधुबन कुमार का कहना है कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद इसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि जिस प्रकार से महिला थाने के अंदर पुलिस के साथ मारपीट करने का वीडियो मैनपुरी से निकल कर आया है, वह आश्चर्यचकित करने वाला है। जनपद मैनपुरी के थाना महिला का है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो बवाल कर रहा है इस वीडियो में, वो विष्णु दीक्षित है और इसके विरुद्ध इसके ससुर द्वारा अपनी पुत्री को प्रताड़ित करने, जान से मारने की धमकी देने और दहेज के लिए पैसा मांगने का मुकदमा महिला थाने में पंजीकृत कराया गया था। इसकी विवेचना महिला थाना की प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही थी। कल इसको नोटिस तामील कराने हेतु बुलाया गया था, जहां पे ये अपना आपा खो गया और पुलिस के साथ इसने हाथापाई और अवधता करनी शुरू कर दी गई है। इसके द्वारा जो कृत्य किया गया, इसके संबंध में कोतवाली मैनपुरी में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है, जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का कहना है कि ये मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। उसके परिजनों के द्वारा ये बताया गया है कि ये कुछ मानसिक रूप से त्रस्त था, जिसके कारण इसके द्वारा ये कृत्य किया गया है। परिजनों द्वारा अगर कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, प्रपत्र, मेडिकल प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे तो उस पर भी विचार करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।